नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पर ब्रह्म, परमेश्वर, जगदीश्वर, हम इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। हमने इनके अलग अलग नाम दे रखे हैं और अधिकतर जो नाम हैं वे संस्कृत से ही उद्धृत हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि संस्कृत जो है वो प्रकृति की भाषा है और इसी कारण इसका एक एक स्वर, एक एक व्यंजन जो है, अर्थात एक एक अक्षर जो है, उसके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। यहीं पर ही कृष्ण एक ऐसा शब्द है जिससे परमेश्वर को हम संबोधित करते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, कृष्ण शब्द की महिमा क्या है, इसी बारे में आज का हमारा वीडियो है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, वे गोकुल में होते हैं और कुछ समय बाद गर्गाचार्य उनसे मिलने पहुंचते हैं। गर्गाचार्य एक बहुत ही महान साधु संत रहे हैं उस समय के। वे भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की मानस साधना करी थी, जिसके कारण भगवान शिव ने आकर के उन्हें दर्शन दिए और कई सिद्धियां प्रदान करी। उनकी आयु बहुत अधिक थी, अर्थात भगवान शिव ने उन्हें दीर्घायु होने का भी वरदान दिया था। अब होता यह है कि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुंचते हैं गोकुल। वहां पर उनका स्वागत करती हैं माँ यशोदा और नंद बाबा, परंतु वे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप जो सप्तऋषि हैं उनमें से कोई एक हैं? तब गर्गाचार्य उन्हें अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि मैं यादवों का, अभीरों का कुल गुरु हूँ, मुझे वसुदेव ने ही आपके पास भेजा है, कुछ रहस्यमय बात है जो मुझे आपसे करनी है, इसीलिए कृपया करके किसी एकांत जगह पर चलते हैं। गर्गाचार्य, नंद बाबा और माँ यशोदा एक एकांत जगह पर जाते हैं। वहाँ पर जाकर गर्गाचार्य बताते हैं कि आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वे वसुदेव के ही पुत्र हैं और जो आपके छोटे बेटे हैं ये भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही मुझसे ये प्रार्थना करी थी कि मैं आपके पास आकर के आपको इस सत्य से अवगत कराऊं। साथ ही साथ इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि जो आपके दोनों पुत्र हैं ये दोनों ही अवतार हैं। जो छोटे पुत्र हैं वे स्वयं परब्रह्म हैं, वे सब कुछ जानते हैं। वे अभी जब अपने पालने में सो रहे हैं तब भी वे इस बात को जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ और मैं यहाँ पर उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी कारण जब उनकी कुछ लीलाएं होंगी तब आप अचरज में नहीं पड़िएगा, कहीं पर संदेह नहीं करिएगा, क्योंकि ये ही परब्रह्म है। और इसी कारण अति शीघ्र आपको इनका नामकरण संस्कार करा लेना चाहिए। इनका जो नाम होगा वो मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं। चूंकि ये परब्रह्म है, परमेश्वर है, इसी कारण इनका नाम कृष्ण होना चाहिए। अब यहीं पर ही दोस्तों गर्गाचार्य ने बहुत ही सुंदर रूप में कृष्ण शब्द की व्याख्याएं करी है। जी हाँ, व्याख्याएं। कृष्ण के अलग अलग धातु को पकड़ करके, कृष्ण शब्द के अलग अलग स्वर और व्यंजन को पकड़ करके गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण नाम की बहुत ही अद्भुत महिमा बताई है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम श्री कृष्ण के नाम के अर्थ को समझते हैं और उनके महिमा का आस्वादन करते हैं। श्री गर्गाचार्य ने जो कृष्ण शब्द का पहला अर्थ बताया वो कुछ इस प्रकार है। क ब्रह्मा का वाचक है, ऋकार अनंत का, शेष नाग का वाचक है, मूर्धन्य शकार शिव का वाचक है, अणकार धर्म का वाचक है, अकार, क्योंकि कृष्ण अ तो अकार जो है वो विष्णु का वाचक है, और जो विसर्ग है कृष्ण ह वो जो दोनों बिंदु हैं वो नर और नारायण के वाचक हैं।
ये बहुत ही अधिदैविक व्याख्या है कृष्ण शब्द की। फिर गर्गाचार्य थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। वे बताते हैं कि कृष्ण जो हैं वे सर्व बीज हैं, सर्व स्वरूप हैं, सर्वाधार हैं, और इसी कारण दूसरा जो अर्थ है वो है कृष्ण में कृष है निर्वाण का वाचक, णकार है मोक्ष का वाचक, और अकार है अर्थदाता। ये शब्द, ये नाम मोक्ष प्रदाता है। आगे उन्होंने एक और व्याख्या करी कृष्ण शब्द की। कृष निश्चेष्ट के बारे में बताता है, अर्थात वो जो काम रहित है। णकार भक्ति के बारे में बताता है, ये भक्ति का सूचक है, और अकार अर्थदाता है। ये जो शब्द है कृष्ण, ये निष्कर्म भक्ति प्रदान करता है, काम रहित भक्ति। चौथा अर्थ इसमें कृष कर्मों का निर्मूलन करता है। णकार दास्य का भाव है, दास्य भाव है, अ प्राप्ति है, अर्थात ये जो शब्द है ये कर्मों का नाश करता है। आगे श्री गर्गाचार्य ने कृष्ण का एक और अर्थ बताया। क कैवल्य प्रदान करता है, ऋकार दास्य भाव, शकार भक्ति, णकार भगवत का सानिध्य, और विसर्ग भगवान का ही सारूप्य, अर्थात उनका जो सर्वेश्वर का रूप है उसके दर्शन, अर्थात कृष्ण। यही मंत्रों में महामंत्र है, बीजों में महाबीज है। कृष्ण शब्द के अंदर ही भगवान विष्णु के सभी रूप, सभी अवतार, सभी आयुध, सभी गुण समाहित हो जाते हैं। परंतु फिर भी ये जो कृष्ण शब्द है ये परमेश्वर के, परब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों का बहुत ही सुंदर सूचक है, वाचक है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा प्रसंग श्री कृष्ण के नाम की महिमा सुंदर लगी होगी। यदि ऐसा है तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि अब हम अपने जीवन में श्री कृष्ण नाम को उतारेंगे। चलते फिरते उठते बैठते हम श्री कृष्ण के नाम का जप करते ही रहेंगे, भले ही वो मानसिक रूप से ही हो। मानसिक रूप से जप करना अत्यंत लाभदायक होता है। साथ ही साथ मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से जीपे पेटीएम इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन के अनुरूप हो आप हमें श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण।